हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर ऑफ द मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायो मॉलिक्यूल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिटेल डिस्कस अबाउट बायो मॉलिक्यूल। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप चैनल माय चैनल। तो प्लीज गो थ्रू व्हाट्सएप चैनल माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Hello friends. So start today's topic. So today's topic is dynamic state of body constituents. It's means concept of metabolism. Metabolism का concept आज हम पढ़ेंगे। Metabolism क्या होता है ना, metabolic reaction क्या होती है, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस lecture में बताऊंगा। So first we read what written in NCERT textbook. After that elaborate each and everything with simple and easy word. So let's begin without wasting any time. तो इसमें क्या बताया गया है, हमको ये बताया गया है व्हाट वी लर्न टिल नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या देखा है ना, वो क्या हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, वो सिंपल बैक्टीरिया हो सकते हैं है ना, प्रोटोजोवन हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोजोवन भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं और हमारे एनिमल हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सभी जानते हैं। इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे कंटेन ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक, हजारों की संख्या में इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकी बॉडी मिलकर बनी होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन किए होते हैं। दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनको कंपाउंड बोलें या बायो मॉलिक्यूल्स बोलें, क्योंकि बायो का मतलब ही होता है बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग ठीक है, यानी लिविंग, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाएं उनको क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे है ना। ये सारे के सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन, प्लांट और एनिमल ये क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे, याद रखेंगे, डिफिनेशन आ सकता है कभी ठीक है। और ये जो बायो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं अपनी सेंटर कंसंट्रेशन में है ना, इनकी एक कंसंट्रेशन होगी, इनकी एक कंसंट्रेशन होगी उसमें ये प्रेजेंट होंगे, और उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं है ना। उसको मोल, मोल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेल और मोल्स में, पर लीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन होती है ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वाज ऑब्जर्वेशन डेट ऑल बायो मॉलिक्यूल हैव ए टर्न ओवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, इसमें बताया कि जो जितने भी बायो मॉलिक्यूल होते हैं उनका टर्न ओवर होता है ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे में टर्न ओवर होते हैं। टर्न ओवर का मतलब होता है इंटरचेंज होना, क्या होना, इंटरचेंज होना, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होंगे, बायो मॉलिक्यूल होंगे, एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे। एक डिस्कवरी से पता चला, जब हम लोगों ने अच्छी इसमें डिटेल स्टडी की तो उनको ये पता चला कि सारे के सारे जो बायो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, यानी वो टर्नओवर होते रहते हैं ठीक है, अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते रहते हैं, इसका मतलब यही है ठीक है। इट मीन डैट दे आर कॉन्स्टेंटली बींग चेंज इन टू सम अदर बायो मॉलिक्यूल एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायो मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं है ना, क्या बोला, कॉन्स्टेंटली चेंज, ये मतलब एक समय के साथ अपने इंटरचेंज होते रहेंगे दूसरे बायो मॉलिक्यूल में है ना, उस और ये एक नया बायो मॉलिक्यूल बना देंगे है ना, या एक नया बायो मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये अच्छे से इंटरचेंज होते रहेंगे ठीक है। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अब ये बायो मॉलिक्यूल बनते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, कहाँ पे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, किसके थ्रू होंगे, किसके थ्रू होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगी है ना। जब केमिकल रिएक्शन होंगी, बायो मॉलिक्यूल का बनना और टूटना लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, एक सर्टन टाइम पे है ना, एक जब टाइम होगा तो वो बायो मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो जाएगा, दूसरा नया बायो मॉलिक्यूल बनेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना, क्योंकि जो बायो मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना, ये एक विदाउट एक्सेप्शन है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा है ना, विदाउट एक्सेप्शन,
सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हमको पता है। ठीक है, आगे क्या है, टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, है ना। इन सारी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि जो टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन अवर बॉडी, यानी अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी वो सारी की सारी रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। याद रखेंगे, टोटल टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी की सारी केमिकल रिएक्शन होंगी वो क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। आगे देखते हैं, ईच ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ईच ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो क्या करेगी, उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, क्या मतलब होता है, बनना, कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांस मतलब एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बन रही है ना, ट्रांस एक चीज़ कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरी चीज़ में, और फॉर्मेशन का मतलब तो सभी जानते हैं बनना, है ना। यहाँ पे चीज़ों का रूपांतरण होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला। तो ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बायो मॉलिक्यूल का, यानी उसमें क्या बनता है, बायो मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना, बायो मॉलिक्यूल बनेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन में। ठीक है, याद रखेंगे। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, हमको कुछ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल दिए गए एनसीईआरटी में, वो हम देख लेते हैं। क्या है, रिमूवल ऑफ CO2, है ना, CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड, मेकिंग एन अमीनो एसिड इंटू एमीन, है ना। रिमूवल ऑफ CO2 यानी CO2 का निकलना, CO2 का निकलना अमीनो एसिड से, है ना, और अमीनो एसिड को क्या बना, अमीनो एसिड से क्या बनना, अमीनो एसिड इंटू एमीन, है ना। जब अमीनो एसिड से CO2 निकल जाएगा तो अमीनो एसिड इसमें बदल जाएगा, वो एमीन में बदल जाएगा, है ना। एन अमीन रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, है ना, और अमीन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस, है ना, अमीन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड, है ना, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब, लिसिस का मतलब होता है टूटना, कोई चीज़ का मतलब, लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, टूटना, है ना, लिसिस का मतलब होता है टूटना। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का टूटना डाइसेक्राइड में, एक ये इसका एग्जांपल है ना। वी कैन लिस्ट 10 and 1000 ऑफ सच एग्जांपल, हम ऐसे हजारों की संख्या में एग्जांपल ले सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर लिंक ऑलवेज टू सम अदर रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा संख्या में हो, है ना, किसमें हो, मेजॉरिटी का मतलब होता है भारी संख्या में जो ज़्यादा तादाद में हो। ठीक है, ज्यादा संख्या में, संख्या में यानी मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर रिएक्शन जो होंगी, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी, आइसोलेशन में नहीं हो सकती, मतलब वो अकेले आइसोलेट मीडियम पे नहीं हो सकती हैं। डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है सिंगल, वो अकेले, ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी वो अकेले नहीं हो सकती हैं, है ना, अकेले नहीं होंगी तो क्या होंगी, वो एक दूसरे से लिंक होंगी, सम अदर रिएक्शन से लिंक होंगी, यानी अदर रिएक्शन के साथ वो रिलेशनशिप बना के रखेंगी, यानी उनके साथ कोऑर्डिनेशन मैनर पे लिंक होके अपना आगे की फर्दर रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इन अदर वर्ड मेटाबोलाइट्स, है ना, इन अदर वर्ड मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन ए सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे, है ना। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, वो जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करें, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करें उनको क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं,
जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करें। मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्ट इनटू ईच अदर इन ए सीरीज लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। जब मेटाबोलाइट्स एक सीरीज रिएक्शन में लिंक होकर अपना रिएक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे। पाथवे का मतलब भी होता है मतलब रास्ता टाइप का, ठीक है। पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे होगा, वो पाथवे जो होता है वो कैसा किस तरह का होता है, वो सिमिलर है ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। जैसे हमारी सिटी में हम लोग ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक देखते हैं ना, गाड़ियों का वाहनों का ट्रैफिक देखते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है वाहन, क्या होता है वाहन, है ना, जो हमारे वाहन का ट्रैफिक होता है उस तरीके का ये मेटाबॉलिक पाथवे होता है ना। एक चौराहे पे चारों तरफ से रास्ताएं गई हुई हैं, वहाँ पे जो जंक्शन टाइप का बनता है, क्रिस क्रॉस जंक्शन बोलते हैं उसको, है ना, उस टाइप का ट्रैफिक होता है, तो इसी को पाथवे बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। उसी टाइप का मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया उनको, ठीक है। दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन ए सिटी। हमारी सिटी में ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है सिमिलर होता है कैसे, जैसे हमारी सिटी में ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक होता है, ठीक है। दीज पाथवे आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। ये जो पाथवे हो सकता है, यानी ये जो मेटाबॉलिक पाथवे हो सकता है, कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है यानी सीधा सीधा हो सकता है, या फिर वो घूम फिर के उसमें सर्कुलर बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी सर्किल में, है ना, कि पूरी बॉडी में एक स्थान से कोई चीज़ जाएगा सीधा जाएगा, यानी एक चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा, और कोई चीज़ दूसरी चीज़ होगी तो एक स्थान से जाएगी दूसरी दूसरे स्थान पर घूम के आएगी, यानी एक सर्किल टाइप का बनाएंगे, ठीक है, उसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। दीज पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर देयर इज ए ट्रैफिक जंक्शन। ये जो पाथवे होते हैं एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ऐसे काटना, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ऐसे काटना। मान लो एक यहाँ पे मेन पॉइंट है, एक रास्ता इधर के लिए गया, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस जंक्शन बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है, यही होता है। दीज पाथवे क्रिस क्रॉस जंक्शन अदर ऐसे ट्रैफिक जंक्शन में होता है। ये मेन पॉइंट हुआ, यहाँ से इधर के लिए भी ट्रैफिक, चारों तरफ के लिए ट्रैफिक, यानी ये मेन पॉइंट हुआ, इसकी बोलेंगे क्रिस क्रॉस जंक्शन, ठीक है। आगे क्या, दीज पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर देयर आर ट्रैफिक जंक्शन। जैसे ट्रैफिक जंक्शन में क्रिस क्रॉस होता है उसी तरीके का ये होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज डिफाइनिंग रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, है ना। इसमें हमको ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के एग्जाम्पल देके हमको समझाया गया कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे कैसा होता है ना, जो फ्लो ऑफ मेटाबॉलिक होता है, मेटाबोलाइट्स का फ्लो होता है हमारी बॉडी में वो कैसा होता है, यानी मेटाबोलाइट्स का फ्लो होगा मेटाबॉलिक पाथवे में, जो मेटाबॉलिक पाथवे चलेगा हमारी बॉडी में चलेगा, बॉडी में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। मेटाबॉलिक जो होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका जो फ्लो होता है मेटाबॉलिक पाथवे में वो एक डिफाइनिंग रेट में होता है, और एक इसकी डिफाइनिंग डायरेक्शन होती है, जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक को होता है ना, कि किसको किधर जाना है, किसको किधर जाना है, उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है और उसका एक रेट फिक्स होता है, कि जब मेटाबॉलिक ट्रैफिक से छूटेंगे तो धीरे धीरे निकलेगा, उसके बाद क्या होगा अपना अच्छे से वो स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो होता है ये इस मेटाबॉलिक को डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है। वाट इज इम्पॉर्टेंट इज डेट दिस इंटरलिंक मेटाबॉलिक पाथवे इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट ए सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप फॉर हेल्दी कंडीशन। तो इसका मतलब ये बताया गया है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें मेटाबॉलिक पाथवे में इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है ना, जो मेटाबॉलिक होगा अगर हेल्दी कंडीशन है ना, इंडिविजुअल की हेल्दी कंडीशन है, हेल्दी कंडीशन क्या होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कोई डिजीज ना हो, है ना, वो साइकोलॉजिकल, है ना, सारी की सारी चीज़ों से वो हेल्दी हो, है ना, तो उसमें क्या होगा, जब मेटाबॉलिक फ्लो होगा तो उसमें जो मेटाबॉलिक फ्लो होगा तो कैसा है, इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक, जो इंटरलिंक होगा उसमें मेटाबॉलिक ट्रैफिक वो बहुत ही स्मूथ होगा, क्या होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। स्मूथ होने का मतलब है बहुत ही आसानी से चलेगा, है ना, विदाउट एनी मिसहैप, यानी मिसहैप का मतलब क्या हुआ, मिसहैप का मतलब हुआ यहाँ पे विदाउट छेड़छाड़, है ना, मिसहैप विदाउट किसी छेड़छाड़, यानी उसमें विदाउट किसी कमी के वो बहुत स्मूथली होगा, उसमें मेटाबॉलिक पाथवे बॉडी के अंदर हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे क्या है, अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज वेरी अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज डेट यूरिक केमिकल
रिएक्शन इज ए कैटलाइज रिएक्शन, है ना। और इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन का अदर फीचर क्या हुआ कि जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, यूरिक केमिकल रिएक्शन कैटलाइज रिएक्शन होती है ना। उसमें क्या होगा, कैटालिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, वो रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, है ना। देयर इज नो, इसमें बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग सिस्टम में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती है जो कि विदाउट अनकैटलाइज, मतलब विदाउट कैटलाइज हो, यानी अनकैटलाइज रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होती, लिविंग सिस्टम में नहीं होती है। देयर इज नो अनकैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम में ऐसी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी जो अनकैटलाइज हो, है ना। समझ गए होंगे आप, आगे देखते हैं। इवन चाहे CO2 डिजॉल्व हो वाटर में, है ना, तो वो भी क्या है, कैटलाइज रिएक्शन है, है ना। एक फिजिकल प्रोसेस या कोई फिजिकल प्रोसेस हो, है ना, क्या हो, फिजिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। फिजिकल को क्या बोलते हैं, हम मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, फिजिकल को क्या बोलते हैं, हम मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ये सारे के सारे जो होंगे ये कैटलाइज होंगे, ठीक है। इज ए कैटलाइज रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, ये सारे के सारे जैसे CO2 का डिजॉल्व हो, है ना, CO2 वाटर में डिजॉल्व हो, फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो कोई, सारे के सारे जो होंगे लिविंग सिस्टम में क्या होंगे, कैटलाइज होंगे, ठीक है। द कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं, कैटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब किसी चीज़ को उत्साह करें, है ना, किसी चीज़ को बढ़ावा दें करने के लिए, वो काम करने के लिए बढ़ावा दें, है ना, उसकी एक्टिविटी में हेल्प करें, ठीक है। द कैटलिस्ट विच हैसन द रेट ऑफ द गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को हैसन कर देते हैं। हैसन का मतलब होता है, हैसन का मतलब होता है बढ़ाना, क्या करते हैं, बढ़ाना, है ना, ये बढ़ा देते हैं, ये मेटाबॉलिक कन्वर्जन को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे में जो कन्वर्जन होना है मेटाबॉलिक पाथवे में, तो उसके कन्वर्जन को ये बढ़ा देंगे, रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, है ना, ये होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, कैटलिस्ट जो होंगे ये प्रोटीन होंगे। और प्रोटीन क्या होते हैं, दीज प्रोटीन विच कैटालिटिक पावर नेम्ड एंजाइम, है ना। यहाँ पे हमको ये बताया गया है जो कैटलिस्ट हैं, यहाँ पे एंजाइम जो होंगे वो हमारे कैटलिस्ट की तरीके काम करेंगे। और ये जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, ये प्रोटीनिशियस होते हैं, हम तभी जानते हैं। और इन प्रोटीन में जब कैटालिटिक पावर आ जाती है, जब प्रोटीन में कैटालिटिक पावर आ जाती है तो वो एंजाइम बन जाता है, हम सभी को पता है, ठीक है। जो आल एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, जो सारे के सारे एंजाइम होंगे वो क्या, प्रोटीन होंगे। बट जो आल प्रोटीन होंगी वो एंजाइम नहीं होंगी, आल प्रोटीन नॉट एंजाइम, आल प्रोटीन जो होंगी वो नॉट एंजाइम, यानी वो एंजाइम नहीं होंगी, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट आता है कि आल एंजाइम आर प्रोटीन बट आल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ये बात सही है, ठीक है। और कुछ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एंजाइम के तरीके एक्ट करते हैं, है ना, कुछ न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो एंजाइम के तरीके एक्ट करते हैं, तो कौन सा होता है, राइबोजाइम है, ये न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ये एक्ट करता है एंजाइम के तरीके, ये एंजाइम के तरीके एक्ट करता है, क्या, राइबोजाइम, है ना। या और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई अनकैटलाइज रिएक्शन, है ना, नहीं होती, सारी की सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होंगी वो कैटलाइज होंगी, कैटलाइज फॉर्म में होंगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमने मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में के साथ में, जिसमें मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग के बारे में देखेंगे, है ना, और उसके आगे फर्दर लिविंग स्टेट क्या होती हैं, है ना, बॉडी की स्टडी स्टेट्स क्या होती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। सो अलविदा।